जनपद मिर्जापुर के अमायरा में जो कार्यक्रम आयोजित है, आज बढ़ चढ़ के तमाम लोग इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। अपराजिता सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, जो इस समस्त कार्यक्रम की आयोजिका के रूप में जानी जाती है और कुछ न कुछ नया करने की लोग उनसे अपेक्षा भी करते हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। आज सांता विशेष ड्रेस में आप लोग हैं जी। सबसे पहले तो सबको मेरी क्रिसमस की शुभकामनाएं। और आज ये इनर व्हील विंटर कार्निवल जो हमने किया, इसमें हमारा ये कार्निवल में, लेकिन हमने अपनी भारतीयता पर ज्यादा इस पे हमने एम्फसाइज किया है। आज हमारा ग्रुप डांस कंपटीशन हुआ और उस ग्रुप डांस में भी बच्चों ने हमारी हिंदू माइथोलॉजी के ऊपर या जो स्टेट्स ऑफ इंडिया है, अलग अलग भारत की जो स्टेट्स राजधानी है, उसके वेशभूषा में उन्होंने डांस परफॉर्मेंस की। और आज हमारा, बिकॉज आई एम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ विंध्या क्लब, इनर व्हील क्लब ऑफ मिर्जापुर विंध्या, मुझे बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि सारे मेंबर्स विंध्या के आज यहाँ प्रेजेंट हैं और ये लोग क्रिसमस कितना पुण्य का काम करके मना रहे हैं। जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के बच्चे हैं, उनको कितनी बड़ी खुशी दे रहे हैं कि उनके लिए इन्होंने टॉयज और अलग अलग विभिन्न तरह की अट्रैक्टिव चीजें जो ये लोग खुद अपने हाथों से उनको देंगे। तो हम ऐसे बच्चों के अगर जीवन में आज एक खुशी देंगे तो मेरे लिए बहुत, मैं उसको बयान नहीं कर पा रही हूँ। इट्स मोर देन एनीथिंग। आई कैन बहुत प्राउड की बात है कि हम लोग के फाउंडर मतलब की मैम है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मतलब बात है। इस वक्त लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि आपकी टीम इतनी जबरदस्त है, जिसका परिणाम है कि हर कार्यक्रम वो पूर्वांचल लेवल का बन जा रहा है। मेरी तो ईश्वर से यही मनोकामना है कि मिर्जापुर में हम, मेरे साथ जो है और मैं जिनके साथ हूँ, हमारा साथ बना रहे, संगत छत्वम, और हम लोग एक साथ ऐसे अच्छे अच्छे कार्य करें जिससे कि मिर्जापुर का नाम रोशन होना चाहिए, ना सिर्फ पूरे जिले में या पूरी स्टेट में, बल्कि नेशनली और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बात किया, बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि आज ये जो कार्यक्रम है, निसंदेह एक जो है माइल स्टोन बनने जा रहा है। दरअसल इस तरीके के कार्यक्रम का निरंतर लोग डिमांड भी करते रहे हैं और अब ये कार्यक्रम लोग मूर्त रूप में भी देख रहे हैं। महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे दो दिन का कार्यक्रम जो चलाया गया है, इसमें यह है कि लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला है। बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये एक अच्छी शुरुआत है। मिसेज अपराजिता सिंह ने एक प्लेटफॉर्म दिया लेडीज के लिए। इनर व्हील क्लब की तरफ से ये सारा ऑर्गेनाइज किया गया है और हमारे शहर में ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए जिससे हमारे यूथ को, जो हमारी हाउस वाइफ है, उनको भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। बहुत बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जो अपराजिता सिंह ने अरेंज किया है। रजनी जी, आप निरंतर बढ़ चढ़ के समाज के लिए कुछ करते रहते, ये जो प्रोग्राम हुआ है, ये क्रिसमस ट्री और तमाम ये साइट्स, इस पर कुछ लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, 25th का सेलिब्रेशन, 25th दिसंबर का क्रिसमस ट्री के बिना तो अधूरा ही है, और इसीलिए आप देख रहे हैं इतना अच्छा डेकोरेशन किया गया, वो फील आती है फिर उससे। और ये जो अपराजिता मैम ने ये प्रोग्राम रखा है, ये कैंसर की चैरिटी के लिए रखा गया है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ के शहर के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इससे जो पैसा कलेक्ट होगा वो कैंसर पेशेंट्स के लिए जाएगा, तो अच्छा तो है ही सब कुछ। बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। आप भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। मैं इनर व्हील क्लब ऑफ मिर्जापुर समन्वय की प्रेसिडेंट जूनी टंडन हूँ और मैं यहाँ पे आई हुई हूँ। इनर व्हील का ही ये प्रोग्राम है, इनर व्हील मिर्जापुर का, जो कि अपराजिता जी ने इसको ऑर्गेनाइज किया बहुत ढंग से। इसको दो दिन का ये प्रोग्राम है, इसमें बच्चे और महिलाएं किसी भी एज की हों, मल्लिकाएं मिर्जापुर का यहाँ पे कॉन्टेस्ट हुआ है। आज इनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि शहर के सारे लोगों में इस प्रोग्राम को लेकर बहुत उत्साह है, और जो डेकोरेशन यहाँ पे क्रिसमस ट्री आप देख रहे हैं, इसमें स्टार पैकेट्स और ये गिफ्ट्स वगैरह जो सेंटा की एक गिफ्ट वगैरह देख के आपको भी लालच लगता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टॉफी है और ये गिफ्ट्स हैं, किसको लालच नहीं लगता, कब ये अनपैक और कब मुझे मिले। और स्टार्स लगे हैं जो कि प्रभु यीशु की पहचान है, आइडेंटिटी है। तो ये सब बहुत अच्छे से जगह जगह उसके कटआउट्स लगे हुए हैं सेंटा क्लॉज के, और बच्चे देखे टोपी पहन के बहुत सारे सेंटा क्लॉज बने, इनका कॉन्टेस्ट भी है, और ये उत्साह में भी लोगों ने इसको डेकोरेट किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं सरिता दुबे इनर व्हील क्लब विंध्या की सेक्रेटरी हूँ। मैं आज क्रिसमस के उपलक्ष्य में यहाँ पे कुछ नीडी बच्चों को
को आवश्यक सामग्री कुछ वितरित करनी चाहती हूँ। सबसे पहले मैं हैप्पी मैरी क्रिसमस कह रही हूँ सर। आज हम लोग यहाँ पे क्रिसमस डे पे सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और मतलब बच्चों को कुछ नीडी बच्चों को कुछ बांटना भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। हैप्पी मैरी क्रिसमस सभी को। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। आज क्रिसमस के मौके पर एनआरबी क्लब की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है, उसमें आके आज हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। मैरी क्रिसमस सभी को। इनरविन क्लब ऑफ मिर्जापुर बिंद की तरफ से यहाँ पे कुछ बच्चों को आवश्यक सामग्री बांटी जाएगी। हैप्पी मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इनरविन की तरफ से, इनरविन क्लब ऑफ मिर्जापुर बिंदिया, और हम लोग की कोशिश है कि हम लोग यहाँ छोटे बच्चों को आज के इस शुभ अवसर पर बच्चों को कुछ गिफ्ट दें और उनकी जरूरत की चीजें, ताकि हम सब जो खुशियाँ मना रहे हैं हम चाहते हैं वो बच्चे भी हमारे साथ खुशियाँ मनाएं। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम इनर व्हील क्लब विंध्या। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं सब छोटे बच्चों को, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उन लोगों को कुछ गिफ्ट, कुछ केक, ये सब चॉकलेट्स, ये सब देने के लिए, ताकि उन लोगों का भी ये क्रिसमस खुशी का क्रिसमस हो और सब लोग खुश हो, सब लोग एंजॉय करें, ये फेस्टिवल सीजन सबके लिए अच्छा हो। मैं प्रीति सर्राफ इनर व्हील क्लब ऑफ विंध्या की मेंबर हूँ और आज मैं यहाँ क्रिसमस के मौके पर यहाँ के जरूरतमंद बच्चों के लिए कुछ उपहार वितरित करने आई हूँ। ऐसे तो आज के दिन सब अपने घर में खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो उनको कुछ हम उपहार, कुछ गिफ्ट, खाने पीने की चीजें दे करके उनके जीवन में खुशियाँ लाने की छोटी सी कोशिश करने। मैं सरोज गुप्ता इनर व्हील क्लब विंध्या की एडिटर। हैप्पी मैरी क्रिसमस। आज इस क्लब के माध्यम से हम लोग जरूरतमंद बच्चों को कुछ मिठाइयाँ, कुछ फ्रूट्स, कुछ कपड़े सब डिस्ट्रीब्यूट करने आए हैं। ये जो सजावट हुआ है विशेष प्रकार का, इस पर ये खुश मतलब ये सजावट बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है और ये खुशी का त्योहार है, इसलिए ये सजावट बच्चों को आकर्षित करे। ऐसे ही उपलक्ष्य में हम लोगों ने जरूरतमंद बच्चों को भी इस खुशी में शामिल करने का हम लोगों ने जो इंतजाम किया है। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। और मैं नेहा मौर्य इनर व्हील क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे हम लोग नए साल को शुरुआत करने के लिए मैरी क्रिसमस के लिए मेला यहाँ पे लगा हुआ है, जिसको बच्चे एंजॉय करेंगे। फैंसी ड्रेस यहाँ पे हो रहा है और प्लस इनर व्हील क्लब यहाँ पे कुछ जरूरतमंद बच्चों को हम लोग गिफ्ट देंगे कि जिसमें उनको खुशियाँ मिले। सभी को मैरी क्रिसमस। मैं निधि श्रीवास्तव इनर व्हील क्लब विंध्या की मेंबर हूँ और आज हम सब लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं बच्चों के लिए। ये छोटी सी हमारा प्रयास है, थोड़ा सा डेकोरेशन है, इससे बच्चों के चेहरे पे खुशी आएगी और कुछ सामान जरूरत की चीज़ें उनमें वितरित करेंगे। खाने पीने की चीज़ें, कपड़े हैं और कुछ बच्चों को पसंद जैसे चॉकलेट वगैरह, तो इससे उनको खुश करना चाहते, क्योंकि सबसे बड़ी चीज बच्चों को खुशी। अगर आप किसी को खुश कर रहे हैं इससे बड़ा खुशी। मैं कीर्ति अग्रवाल हूँ और यहाँ आज क्रिसमस के उपलक्ष्य में आई हूँ इनर व्हील से। यहाँ हम लोगों को आके बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम लोगों ने बच्चों को कुछ देने के लिए और मैम ने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उसी में हम लोगों को भी अच्छा लगा कि कुछ हम लोगों का भी थोड़ा सा बढ़ चढ़ के सहयोग रहे, इसी के लिए आज हम लोग यहाँ सब लोग उपस्थित। नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र गुप्ता, इस वक्त आप जनपद मिर्जापुर के अमायरा में चल रहे इनर व्हील क्लब के तत्वाधान में बताया जा रहा है कि देर शाम तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, क्योंकि जनपद के तमाम लोग जो समाज सेवी भी हैं, प्रतिष्ठित घराने के लोग भी हैं, इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं और बच्चों के साथ खुद इंजॉय कर रहे हैं। साथ में जो बड़े दिन जिसको कहा जाता है, आज बड़े ही धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है। 25 दिसंबर का जो सेलिब्रेशन है वो भी करने का जो तरीका है वो अपने आप में बहुत ही एक नया मिसाल पेश कर रहा है। जनपद के अंदर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चूँकि अपराजिता सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो भी कोई कार्यक्रम आयोजित करती हैं तो वो एक मिसाल कायम होता है, पूरे पूर्वांचल में उसकी एक अलग पहचान होती है। जनपद के लोग भी काफी दिनों से ऐसे कार्यक्रमों का प्रतीक्षा कर रहे थे और आज उनके प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त भी हो रही है। कई दर्जन से ज्यादा लोग आज इस प्रांगण में आनंदित हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कैंसर के जो मरीज हैं उनकी मदद के उद्देश्य से ये सारा कार्यक्रम
आयोजित किया गया है। मिर्जापुर से टीवी नेट के लिए वीरेंद्र गुप्ता।